उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस गोरा शक्ति ऐप के माध्यम से महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर रही है। गोरा शक्ति योजना के तहत नैनीताल क्षेत्राधिकारी विभा दीक्षित से रूबरू हुई। हल्द्वानी के GGIC के छात्राओं से और उनको महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध और साइबर क्राइम के बारे में सचेत किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से छात्राओं को अपनी सुरक्षा एवं आत्मरक्षा का जिम्मा खुद उठाने के लिए प्रेरित किया। गौरा शक्ति ऐप के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ हो रहे क्राइम को उसमें रजिस्टर किया जाएगा और इमरजेंसी की स्थिति के लिए उसमें एक पैनिक बटन भी उपलब्ध होगा, जिससे तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना मिल जाएगी और पुलिस मौके पर मदद के लिए पहुंच जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये हम लोग की एक स्कीम है जिसका नाम है गौरा शक्ति योजना, जिसके तहत एक कार्यक्रम कराया जा रहा है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसी के चलते हमने आज GGIC में ये प्रोग्राम कराया था, जिसमें जितनी भी हमारी स्कूली छात्राएं हैं उनको कैसे वो अपने को कॉन्फिडेंट फील करें, ये अपने को सशक्त फील करें, इसी के लिए हमने एक छोटी सी आज उनके साथ एक्सरसाइज करी और वो काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला बच्चों से।